और तेलंगाना के लोग जानते हैं एक घोटालेबाज दूसरे घोटालेबाज पर कभी कार्रवाई नहीं कर सकता। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय बीआरएस पर घोटालों का आरोप लगाती थी, आज वही कांग्रेस बीआरएस की फाइलों पर हाथ धरकर बैठ गई है। साथियों, बीआरएस और कांग्रेस की मिलीभगत कितनी जबरदस्त है, ये भी आज तेलंगाना के लोग देख रहे हैं। आज बीआरएस के घोटालों पर कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। कालेश्वरम स्कैम के अरबों रुपए कहां चले गए, कांग्रेस में कोई इसका जवाब नहीं मांग रहा है। और कांग्रेस जो सैकड़ों वादे करके सरकार में आई थी, वो क्यों पूरे नहीं हो रहे? बीआरएस में कोई ये सवाल नहीं पूछता। दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की जमकर के मदद कर रहे हैं और सब कुछ पर्दे के पीछे कर रहे हैं। और जब दोनों पार्टियों के स्कैम की जांच होती है तो दोनों मिलकर के क्या करते हैं? एक ही काम, मोदी को गाली, मोदी को गाली, मोदी को गाली, यही करते हैं ना। दिन रात मोदी मोदी सिवाय कुछ करते हैं क्या लोग? इनके मुंह से कभी भारत मां की जय सुना क्या? मोदी को 100 बार बोलते हैं, मां भारत को एक बार भी याद नहीं करते। लेकिन तेलंगाना के मेरे साथियों, बीआरएस और कांग्रेस वो एक दूसरे के लिए चाहे कितनी भी कवर फायर कर लें, इनकी एक एक लूट का हिसाब होता रहेगा। मोदी तेलंगाना के लोगों को गारंटी देता है कि तेलंगाना को लूटने वालों को छोड़ेगा नहीं। ये मोदी की गारंटी है, इदी मोदी गारंटी। साथियों, परिवारवादी पार्टियां, परिवारवाद में डूबे लोग केवल देश को लूटने के लिए राजनीति में आए हैं। ये लोग कभी देश का, किसी राज्य का भला नहीं कर सकते। आप परिवारवादियों का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, देश में जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं उनके पीछे कोई न कोई परिवारवादी पार्टी ही मिलेगी। आप जरा सोचना, ये मीडिया के मित्रों को भी मैं होमवर्क देके जाता हूं, क्या आप सोचिए, देश में लाखों करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, किसका नाम आया? दिल्ली दरबार का संरक्षण और डीएमके परिवार की करतूत। देश में नेशनल हेराल्ड घोटाला हुआ, किसका नाम आया?
कांग्रेस का सबसे बड़ा परिवार जो कांग्रेस पार्टी को चलाता है उनका नाम आया। देश में बोफोर्स स्कैम भी हुआ था, किसका नाम आया था? इसी परिवार का। बिहार में इतना बड़ा चारा घोटाला हुआ, कौन अपराधी साबित हुआ? बिहार में नौकरी के बदले जमीन घोटाला हुआ, किसका नाम आया? आरजेडी चलाने वाले उसी परिवार के लोगों का। इसी परिवारवादी भ्रष्टाचार का शिकार हमारा तेलंगाना भी हुआ है। परिवारवादी बीआरएस ने प्रदेश में कालेश्वरम घोटाला किया है, दिल्ली में हुए लीकर स्कैम में भी कट कमीशन खा लिया। इसलिए कांग्रेस हो या बीआरएस, इनसे जितना बचेंगे, उनको जितना दूर रखेंगे, वही इसकी दवाई है। इसलिए 13 मई को आपको वोटिंग के दिन याद रखना है, बीजेपी को जिताना है, बीजेपी को। आप तेलंगाना में बीजेपी को जितनी ज्यादा सीटें देंगे उतनी ही मेरी ऊर्जा बढ़ेगी। और ये जो शक्ति स्वरूपा का विनाश करने के लिए निकले हैं ना, उनकी रक्षा करने के लिए मुझे ताकत चाहिए। अब मैं विकसित भारत के लिए और ज्यादा परिश्रम करूंगा, आपको भरोसा है ना? मैं परिश्रम करूंगा, इस बात में भरोसा है ना? क्या कभी मैंने मेहनत करने में कमी रखी है क्या? खुद को खपाऊंगा और कुर्सी की परवाह किए बिना आपकी भलाई के लिए जो जरूरी है वो निर्णय करूंगा। साथियों, हमारा विजन है विकसित तेलंगाना से विकसित भारत का निर्माण। बीते 10 वर्षों की एक बड़ी उपलब्धि है कि हमने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकाला है। हमने इसके लिए योजनाएं बनाई, हमने ईमानदारी से हर योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाया, हमने देश भर में गरीब परिवारों को 4 करोड़ से ज्यादा पीएम आवास बनाकर दिए, हमने 12 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाया, हमने देश के 50 करोड़ लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। आज 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ। पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं के जरिए गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए की सहायता दी।